गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम, मैं बच्चों को लेकर के स्कूल से आई थी। अभी जब बच्चे आए और ये आए तो बोले मम्मी कुछ खाने के लिए बना दो, भूख लग रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चों के लिए हेल्दी हो और टेस्टी भी हो। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेस मसाला खिचड़ी, जो कि मटर डाल के बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है वो खिचड़ी और हेल्दी भी होती है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसे कोई भी खा सकता है। और सब बड़े चाव से खाते हैं और मांग मांग के खाते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और ये बनाना शुरू करते हैं वेज मसाला खिचड़ी। एक खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन नहीं कट किया मैंने, अदरक, आप लोग आप चाहें तो लहसुन कट कर सकते हैं। अदरक ली है मैंने और ये थोड़ी सी मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था और धुल करके साफ़ करके रख ली है। और ये चावल मैंने भिगो दिए थे, चावल लिए हैं। और ये लिए मैंने थोड़ी सी आलू कट किए हैं, दो आलू हैं। और थोड़ी सी मैंने गोभी कट की थी, आप जो वेजिटेबल्स खाएँ वो ले सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, जो आप खाना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया और उसमें तेल डाल दिया, तेल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें हींग डाल देंगे एक पिंच, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरे को भुन जाने देंगे अच्छे से। को भुनने के बाद में प्याज डाल देंगे इसमें, अदरक भी डाल देंगे इसके साथ ही, और इसमें जो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें ये टमाटर डाल देंगे जो कट करके रखा था, नमक ऐड कर देंगे इसमें, इससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा। इसमें हम बेसिक मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि, और अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें जो सब्जियां कट करके रखी थी हमने वो ऐड कर देंगे, मिला देंगे। अब ये दाल इसमें जो भिगो के रखी थी हमने वो मिला देंगे, और लास्ट में ये जो चावल भिगो के रखे थे वो मिला देंगे इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, देखिए इसमें पानी मैंने ज़्यादा से ऐड किया है क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी है, वेज मसाला खिचड़ी, और अगर कम डालेंगे तो ये तहरी की तरह बन जाएगी, इसलिए मैंने पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया है। और दो सीटी आने तक इसको मैं ढक करके कुकर की सीटी लगा करके रख दूँगी। अब इसमें मैं मिला दूँगी धनिया पत्ती, ये बन गई वेज मसाला खिचड़ी। ये देखो बन गई गरम गरम वेज मसाला खिचड़ी, बच्चे और ये खाएंगे। और मैं ये खिलाने जा रही हूँ बच्चों को और इनको, क्योंकि बच्चे रुद्र को तो सवारी नहीं हो रहा था और ये तो अपनी ले आए। रुद्र खिचड़ी कैसी बनी है, अच्छी लग रही है, मिर्च तो नहीं लग रही, कैसी बनी खिचड़ी? तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म वेज मसाला खिचड़ी, बहुत ही जल्दी बन जाती है और हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो चलिए बच्चों को खिला दें। खिचड़ी वगैरह खा करके हम लोग फ्री हुए हैं, शॉपिंग करके लाई थी अपनी किचन के लिए कुछ, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी कि मैं क्या खरीद के लाई हूँ, क्योंकि लेट हो गई थी शाम को काफ़ी। तो फिर मैंने ब्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं आगे, मैंने कहा कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। तो जब मैं कोई भी चीज़ खरीद के लेके आती हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। छोटी मोटी चीज़ें खरीद के लेके आई थी किचन के लिए जो कि बहुत ज़रूरी थी, और उन चीज़ों के बिना मुझे काफ़ी दिक्कत भी होती थी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे लेके आनी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, मैं ये लेकर के आई थी, ये कांच का जार है, ये अचार वगैरह के लिए। और जार तो है मेरे पास, प्लास्टिक के थे, तो उनमें अचार या कोई भी सामान रखो, जैसे अचार है या कोई जैम वगैरह बना करके रखो तो अजीब सी स्मेल सी आ जाती है, तो प्लास्टिक के में, और ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं प्लास्टिक के जार में।
तो उस मुझे ये दिख गया, ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लाने की, तो ये मुझे छोटा सा, इसमें थोड़ा अचार छोटी फैमिली के लायक आप रख सकते हो और अच्छा सेप भी बना रहता है। ये देखिए इसका ढक्कन है और काफ़ी अच्छा है इसका कांच, बहुत ही अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी पसंद आया, इनको भी पसंद आया, तो इन्होंने बोला ले लो इसको, तो मैं ये लेकर के आई थी। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये, और लेकर के आई थी मैं ये एक ट्रे लेकर के आई थी छोटी, क्योंकि मेरे पास छोटी ट्रे इस ऐसी फाइबर में ट्रे नहीं है मेरे पास, ना ट्रे ना प्लेट थी, और स्टील की ट्रे वो भी काफ़ी बड़ी थी, तो दो या तीन लोग आ जाते हैं तो इतनी बड़ी ट्रे में चाय लेकर के जाती हूँ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा छोटी एक ट्रे लेकर के आऊँगी, तो ये मैंने ली थी एक, और दो लेकर के आई, दो नहीं ये मैंने एक ही ली थी, ये नमकीन के लिए छोटी सी ट्रे छोटी प्लेट, इसमें दो तरह की नमकीन इसमें रख सकते हो आप, इसमें नमकीन इसमें बिस्किट, या दोनों में भी नमकीन रख सकते हैं अलग अलग तरह की, तो ये लाई थी मैं, मेरे पास ऐसी थी नहीं, कटोरियों में रखती थी कोई आ जाता था तो, और एक लाई हूँ मैं ये चॉपर, मेरा जो चॉपर था वो जो पहले का चॉपर था उसकी डोरी टूट गई थी मुझसे ही, और वो डोरी मैं काफ़ी ट्राई किया डलवाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पड़ी, और दुकानों पे दिखाया भी तो बोले कि नहीं इसकी डोरी नहीं पड़ेगी, खींचने का ये धागा टूट गया था उसका, तो ये लेकर के आई हूँ कल मैं ये, और चॉपर के बिना मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी सुबह के टाइम, जल्दी में अगर मुझे प्याज या टमाटर वगैरह कट करना होता तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कम कट करना होता तो काफ़ी देर लग जाती थी, तो फिर मैं ये ले आई, नया ले आई चॉपर, वो पुराना वाला वो मेरा बेकार हो गया। तो ये देखिए ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये चॉपर, मुझे तो बहुत पसंद आया ये, और कलर भी काफ़ी अच्छा लगा, और दो ये प्लेट लेकर के आई थी मैं ट्रे, ये भी नमकीन के लिए लेकर के आई थी, ये मैं नहीं लेना चाह रही थी, बोले ले लो अच्छी लग रही है, मैं एक लेने वाली थी लेकिन ये बोले दो ले लो, ये अच्छी लग रही है लेकिन इनमें कलर और नहीं थे, यही कलर थे तो मैं यही लेकर के आई हूँ दो, और एक ये लेकर के आई थी मैं ये प्लेट, मेरे पास ऐसी प्लेट नहीं थी तो एक ही ले आई थी, वैसे ही छः का सेट दे रहे थे तो मैंने कहा अंकल जी हमें एक चाहिए एक दे दीजिए आप, तो उन्होंने फिर छः में से बोले हाँ आप एक ले जाओ, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी है फायदा, तो मैं इतना ही सामान लेकर के आई थी, यही थी मेरी छोटी मोटी शॉपिंग किचन के लिए, इसके बिना तो मेरी किचन ही अधूरी लग रही थी, इसके चॉपर के बिना मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए मेरी छोटी मोटी शॉपिंग कैसी लगी किचन के लिए, और जो मैंने वेज मसाला खिचड़ी बनाई थी उसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करे। चलिए कल फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।